सोनिया गांधी और राहुल गांधी थोड़ी देर में बेंगलुरु के लिए रवाना होने वाले हैं, जहां बेंगलुरु की बैठक में 26 विपक्षी दल शामिल होंगे। आज डिनर होगा और डिनर में सभी पार्टियां शिरकत करने वाली हैं। लेकिन अभी जानकारी यह है कि थोड़ी ही देर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी निकलने वाली हैं बेंगलुरु के लिए। सभी की निगाहें होंगी विपक्ष के इस महामंथन पर, विपक्षी गठजोड़ पर, एकता पर। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे, उनकी टीम जाएगी, ये सवाल। और थोड़ी देर में बेंगलुरु रवाना होने वाले हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो 26 विपक्षी दल की ये एकता बैठक, विपक्षी बैठक, महामंथन का दौर। आज का दिन विपक्ष के लिए बड़ा दिन, क्योंकि पटना में जिस तरह से बैठक हुआ उसके बाद से तुरंत अनाउंस हुआ कि अब बेंगलुरु में बैठक होगी और सभी विपक्षी दल के जो नेता हैं एक एक करके धीरे धीरे बेंगलुरु रवाना हो रहे हैं। और अब जानकारी जो मिल रही है आपको अपडेट कर दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं बेंगलुरु के लिए। हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं, और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं, और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, दो टुकड़े हुए थे, तीन टुकड़े, सबको जमा रहे, और उनको जमा के वो अपनी संख्या उसमें भारी संख्या दिखाने की कोशिश कर रहे, तो वो कोई काफी महत्व का नहीं।